तो अगस्त को पूरी दुनिया के लोग, पूरा विश्व, देश में क्या विदेश में भी लोग भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आस्था चैनल पर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन होगा। पूरा विश्व तैयारी में जुट गया। एक साथ करोड़ों शिवलिंग बनेंगे, करोड़ों शिवलिंग। अब जरा विचार करिए, कहीं कहीं अनुष्ठान होता है 1 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है 2 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है पार्थिव शिवलिंग का इतना निर्माण करेंगे। पर ये सावन के महीने में जब एक साथ पिछले वर्ष 66 करोड़ लोगों ने शिवलिंग बनाया था, तो अब की बार तो विश्वास कहता है कि कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अब इतना शिवलिंग का निर्माण गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटा गांव बड़ा गांव, चाहे जहां मर्जी पड़ जाए, घर के अंदर 4 लोग है 4 बना लिए, 5 लोग है 5 बना लिए, मन उनका, उनकी मर्जी। इतना शिवलिंग बनेगा और इतना शिवलिंग का निर्माण होगा, तो जरा विचार करिए, आप जब अपने घर में शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो क्या मेरा भोलेनाथ जब तुम्हारे घर में आएगा तो ऐसे ही चले जाएगा क्या? घर में अगर मेहमान आते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा शंकर अगर साल में एक बार सावन की शिवरात्रि को तुम्हारे घर में आता है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, खाली नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कुछ कुछ देकर जाए। अब वो तुमने बनाया, भानु ने बनाया शिवलिंग, मिटा दिया मिट्टी का, धूल का, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, पुण्य इकट्ठा हो गया उसका। उसका जो पुण्य बड़ा प्रबल होता है शिवलिंग का पुण्य, हमने कई बार व्यासपीठ से कहा, बन सके तुम कर सकते हो तो महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में अपने घर में जो कुंड है, पेड़ पौधे हैं या कोई गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊंचा उठा लिया करो, शिवलिंग बना लिया करो, उसी की पूजन करके वहीं विसर्जन कर दिया, उसका पुण्य कितना है, उसका फल कितना है।